हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायोलॉजी क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 17 के, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि पैरामीशियम जो होता है इसमें किस रचना के द्वारा प्रचलन की क्रिया होती है। तो आपको याद रखना है कि पैरामीशियम में जो प्रचलन होता है वो किसके द्वारा होता है, पश्चिमाव या सीलिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपको पश्चिमाव या सीलिया वाला ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि मानव में शुक्राणु जो होते हैं तो मानव शुक्राणु में गति जो होती है वो किस रचना के द्वारा होती है। तो मानव शुक्राणु में गति आपको याद रखना है कि यह कशाभिका के द्वारा होती है। किसके द्वारा? कशाभिका के द्वारा यानी कि फ्लैजिला के द्वारा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि जो निम्न प्राणी है निम्न में से कौन सी ऐसी पेशी है जिसको हम कंकालीय पेशी कहते हैं। तो यहां पे आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है कि जो अरेखित पेशी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, कंकालीय पेशी कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जो पेशीय संकुचन होती है पेशीय संकुचन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो पेशीय संकुचन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई आपको याद रखना है क्या कहलाती है, ये कहलाती है बेसिकली सार्कोमियर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपको करेक्ट कर लेना है। तो सार्कोमियर ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपको करेक्ट करना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मानव में कपालीय अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में कपालीय अस्थियों की संख्या 8 होती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य में कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो पसलियों की संख्या आपको याद रखना कि 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी रिब्स जो है ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कुल कितनी अस्थियां यानी कि कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन होते हैं एज ए ह्यूमन आपको याद रखना है मानव में कि 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है कि रेडियस अस्थि कहां पाई जाती है। तो यही आपके अग्रपाद में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अग्रपाद में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि केचुआ तथा तारा मछली में प्रचलन अंगों के नाम लिखना है। तो केचुआ में मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि सीटी के द्वारा जो है क्या होता है, प्रचलन अंग होता है। और बेसिकली आपको तारा मछली में नाल ट्यूब नामक संरचनाएं होती है कई सारी जिनके द्वारा उनमें लोकोमोशन या प्रचलन होता है। अगला प्रश्न है कि एसीटाबुलम गुहा कहां पाई जाती है। तो एसीटाबुलम गुहा जो है यह श्रोणी मेखला में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? श्रोणी मेखला में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि ग्लेनाइड गुहा कहां पाई जाती है। तो ग्लेनाइड गुहा आपको याद रखना है कि ग्लेनाइड गुहा जो है अंश मेखला में पाई जाती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, अर्थात ऐसा ऊतक जो कि पेशियों को अस्थि यानी कि हड्डियों से जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंडरा यानी कि टेंडन कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि जो अस्थि होते हैं अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं, स्नायु यानी कि लिगामेंट कहलाते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अस्थि को पेशी से जोड़ने वाले ऊतक का नाम क्या होता है, कंडरा यानी कि टेंडन, और लिगामेंट किसको जोड़ता है, आपस में दो हड्डियों को यानी कि दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है कि संधियों का अध्ययन यानी कि बेसिकली हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आर्थ्रोलॉजी कहलाता है। तो संधियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आर्थ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर है फीमर। कौन सी हड्डी होती है? फीमर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पेशियों में होने वाले दर्द को हम क्या कहते हैं, तो पेशियों में जो दर्द होता है उसे हम माइएल्जिया कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि पेशियों में थकान किसके कारण होती है, तो पेशियों में आपको याद रखना है कि जब लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है जिस कारण से पेशियां थकान उत्पन्न करने लग जाती हैं। अगला प्रश्न है कि जो कंदुक खलिका संधि होती है यह कहां पाई जाती है, तो इसको आपको याद रखना है कि ह्यूमरस तथा अंश मेखला के बीच में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ह्यूमरस व अंश मेखला के बीच में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव कर्ण में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम लिखिए, तो मानव कर्ण में आपको वो याद रखना है कि मुख्यतः तीन हड्डियां पाई जाती है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ये तीनों हड्डियां कान के अंदर पाई जाती है, इनमें से जो स्टेप्स हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है कि पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम लिखिए, तो पेशियों में मुख्य रूप से जो प्रोटीन पाई जाती है उसमें एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन है।
अगला प्रश्न है कि खोपड़ी की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। तो देखिए खोपड़ी की जो अस्थियां होती है आपस में उनके बीच बिल्कुल भी गति नहीं पाई जाती है, अर्थात ऐसी संधि को हम अचल संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कंकाली गति किन पेशियों के कारण होती है, तो ऐच्छिक पेशियों के कारण। किसके कारण? ऐच्छिक पेशियों के कारण। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, तो आपको याद रखना है कि स्टेप्स। अगला प्रश्न है कि हर्वेशियन तंत्र कहां पाया जाता है, तो हर्वेशियन तंत्र या हर्वेशियन तंत्र आपको याद रखना है कि खोपड़ी यानी कि स्कल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मायोग्लोबिन किसको संचित करने का कार्य करती है, तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को संचित करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि अस्थि किस प्रकार की प्रोटीन की बनी होती है, तो जो अस्थि यानी कि हड्डी होती है वो ओसेन नामक प्रोटीन की बनी होती है। उपास्थि किस प्रोटीन की बनी होती है, तो आपको याद रखना है कि उपास्थि जो है यह कंडेन प्रोटीन की बनी होती है। तो देखिए यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।